संता शराब पीकर बस में चला। एक साधु बाबा जो कि बस में पहले से बैठे हुए थे संता से बोले, बेटा तुम नरक के रास्ते पर जा रहे हो। इतना सुनते ही संता जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए रोको रोको, मैं गलत बस में चढ़ गया हूँ, साधु बाबा बेहोश। नो 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 नो। संता आज तब तक पीऊंगा जब तक सामने वाले तीन पेड़ छह नहीं दिखने लगे। दरअसल पेड़ तो एक ही था बनता, बस कर साले, सामने एक ही पेड़ है, अब क्या पूरा जंगल लगाएगा। पत्नी आज मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो। पति क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिड़चिड़ाते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ। पति नहीं बताओ क्यों कहती हो। पत्नी क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है इसलिए सिर्फ जान बोलते हैं। खाना खा रहे पति ने पत्नी से पूछा, ये सब्जी तो बनाई इसका नाम क्या है। पत्नी क्यों पूछ रहे हो। पति ताकि ऊपर जाकर जवाब दे सकूं कि क्या खाकर मरा था। नो 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 नो। पत्नी सुबह सुबह अपने पति से, अजी सुनते हो जी, जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी आज उनका देहांत हो गया। पति एक लंबी आह भरते हुए, एक न एक दिन तो उसे उसे कर्मों का फल मिलना ही था। पत्नी अच्छा एक बात बताइए कि ये शादी का असली मतलब होता क्या है। पति यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिसमें सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल विस्की ले आया। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है। गौर फरमाइए, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। नो 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 नो। टीचर मैं 2 वाक्य दूंगा, उसमें आपको अंतर बताना है। पहला वाक्य उसने बर्तन धोए, दूसरा वाक्य उसे बर्तन धोने पड़े। पप्पू पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक। मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मेरी बीवी को ना पता चले तब तक। टीचर इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर कैसे, हेडपंप से। नो 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 नो।